हेलो फ्रेंड, दिस इज गौरव। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे व्हाट इज राउटर एंड द फायरवॉल, राउटर एंड फायरवॉल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले राउटर, राउटर ये फिजिकल हार्डवेयर होता है, कुछ इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके बारे में और डिटेल में मैं बताऊंगा किस तरीके से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राउटर क्या होता है। राउटर दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एक डिवाइस का जरूरत पड़ता है, वो होता है राउटर। विद द हेल्प ऑफ द राउटर हम लोग दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को कम्युनिकेशन कर सकते हैं। राउटर ये डिवाइस ओएसए लेयर में लेयर थ्री पे काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क लेयर। राउटर ये डिवाइस आईपी एड्रेस को अंडरस्टैंड करने का काम करता है। राउटर कनेक्ट नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ मल्टीपल ब्रांच लोकेशन, ठीक है। अभी मल्टीपल ब्रांच लोकेशन कितने, जैसे कि मेरे पास एक ब्रांच है जो कि नागपुर में है, एक अनादर ब्रांच है जो कि पुणे में है, अनादर ब्रांच है जो कि मुंबई में है, अनादर ब्रांच है जो कि बैंगलोर लोकेशन में है। तो ये मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ब्रांचेस है। अगर मुझे इनको, इन सभी ब्रांचेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन करना है, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे राउटर या डिवाइस की जरूरत पड़ती है। विद द हेल्प ऑफ द राउटर मैं सभी ब्रांचेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। राउटर के अंदर एक अच्छा पॉइंट होता है कि ऑटोमेटिकली बेस राउट को फाइंड आउट करने का काम करता है। जैसे कि हम लोग आगे में जाके प्रैक्टिकल करने वाले राउटिंग के अंदर, तो ये पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, वहां पे सिखा सकता हूँ, तो उस टाइम हम लोग ये पॉइंट को और बेटर तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। सो राउटर के अंदर गुड फीचर है, ये इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल है, ऑटोमेटिकली बेस राउट फाइंड आउट कर लेता है। नेक्स्ट थिंग, राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करता है। अभी राउटिंग प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करता मीन्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरे पास दो राउटर है। जस्ट कंसिडर यहाँ पे स्विच के साथ कुछ यूजर्स कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कुछ यूजर्स कनेक्टेड है। जस्ट कंसिडर इस साइड में मैं नेटवर्क लेता हूँ 20.0.0.0, 10.0.0.0. ये सब प्रैक्टिकल हम लोग पैकेट ट्रेसर पे करने वाले, जो कि हमारे पास टूल है उसके ऊपर हम लोग करेंगे, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जस्ट कंसिडर यहाँ पे और एक नेटवर्क है 192.168.1.0, इस साइड 10 का नेटवर्क है और इस साइड 20 का नेटवर्क है। सो नाउ अगर मैं R1 राउटर की बात करता हूँ, तो R1 राउटर को पता है कि मेरे दोनों साइड में, एक साइड में 192.168.1.0 का नेटवर्क कनेक्टेड है और दूसरे साइड में 10.0.0.0 ये नेटवर्क कनेक्टेड है। R1 को अगर 20 के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा बिकॉज इस राउटर को उस नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं। सेम एज फॉर R2, R2 बोलेगा कि मेरे पास 20.0.0.0 इसका इन्फॉर्मेशन है एंड 192.168.1.0। R2 की अगर बात करता हूँ, तो उनको पता नहीं है कि 10 का भी नेटवर्क है, उसका इन्फॉर्मेशन R2 के पास नहीं, तो R2 उसको कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो अभी ये 10 का नेटवर्क या 20 का नेटवर्क एक दूसरे के साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, सो उसके लिए है हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स, IGP एंड EGP, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले। IGP के अंदर कुछ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसका समावेश होता है, जो कि मैं बताऊंगा। EGP के अंदर एक प्रोटोकॉल है BGP प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है CCNA में इसका टॉपिक्स काफी कम कवर किए, आई डोंट थिंक सो ज्यादा कवर किए हैं, बट स्टिल मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन CCNA की पोर्शन में कवर अप करने वाला हूँ। सो फॉलोइंग द राउटिंग प्रोटोकॉल्स, राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं काफी सारे टाइप्स के होते हैं। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, ये भी थोड़ा बहुत मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद आता है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि हम लोग देखने वाले CCNA में। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का समावेश होता है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का समावेश होता है एंड हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल एज वेल एज एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का समावेश होता है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में रीप वर्जन 1 वर्जन 2 का समावेश होता है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में OSPF एंड ISS राउटिंग प्रोटोकॉल का समावेश होता है, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल में EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल का समावेश होता है। सो बहुत सारे टाइप्स के राउटिंग प्रोटोकॉल है, हर राउटिंग प्रोटोकॉल का अलग अलग फीचर है, उनका बिहेवियर अलग है, हर एक का अपडेट टाइम, डेली इंटरवल, हर एक का फीचर अलग है। तो हम लोग सभी पढ़ेंगे, उनके बीच में डिफरेंस करके देखेंगे कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल बेस्ट है, किस तरीके से वर्क करता है, तो ये सब चीजें हम लोग वहीं पे देखने वाले। तो यहाँ तक तो था राउटर के बारे में। अभी मैं राउटर के बारे में बताऊंगा टाइप्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ राउटर, फर्स्ट वन इज अ फिक्स्ड राउटर एंड द सेकंड वन इज अ मॉड्यूलर राउटर। अभी फिक्स्ड राउटर एंड मॉड्यूलर राउटर क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक इमेज अटैच किया, आप देख सकते हो। तो दिस इज माई होम राउटर बोल सकते हैं हम लोग इसको, फिक्स राउटर बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग पॉइंट वाइज जाते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से बोला गया। पोर्ट कैन नॉट बी रिप्लेस एंड एक्सटेंडेड, जस्ट कंसिडर दिस इज माई होम राउटर। और मैक्सिमम लोगों ने होम राउटर तो ऑलमोस्ट देखा ही होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज माई वैन पोर्ट। वैन पोर्ट मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ISP है, जस्ट कंसिडर दिस इज माई BSNL।
बीएसएनएल ब्रॉडबैंड से मैंने लिंक लिया, तो वो मुझे एक लिंक प्रोवाइड करता है जो यहाँ पे मेरे पर देख सकते हैं, मेरे पास जो आरजे 11 पोर्ट है, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। दैट लिंक इज कॉल्ड वैन, एंड जो यहाँ पे मेरे पास बाकी के जो चार पोर्ट दिख रहे हैं, दैट पोर्ट इज कॉल्ड माय लैंड पोर्ट, ओके। सो इन केस जस्ट कंसिडर मेरे घर पे चार यूजर है, चार पीसी है, तो मैं चारों को फिजिकली यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं फिजिकली की बात कर रहा हूँ, अभी तक मैं वाईफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिजिकली मैं आराम से कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन जस्ट कंसिडर मेरा एक दोस्त आया, उसने बोला कि मुझे भी फिजिकली कनेक्ट करना है, बट राउटर का कैपेसिटी है मैक्सिमम 4 यूजर्स का, मैं फिफ्थ नंबर के यूजर्स को यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं कि इस राउटर के ऊपर चार ही इंटरफेसेस है, तो मैं चार ही पोर्ट को कनेक्ट कर सकता हूँ, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट बोला है उन्होंने, पोर्ट कैन नॉट बी रिप्लेस एंड एक्सटेंडेड। सबसे पहले एक्सटेंडेड समझ लेते, जैसे कि अभी मैंने ये देख लिया, मैं फिर से शॉपकीपर से बात किया कि भैया आपने जो मुझे राउटर दिया था उसके ऊपर चार पोर्ट है, लेकिन मुझे और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्ट चाहिए, तो वो आपको रिप्लाई करेगा नो दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ये राउटर जिस तरीके से कॉन्फिगर एंड कैपेबिलिटी है, इसका कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग 4 यूजर्स से मैक्सिमम कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। सेकंड थिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, फर्स्ट वन इज अ एक्सटेंडेड, यहाँ पे एक्सटेंडेड हो गया, वो एक्सटेंडेड है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। सो हियर इज अ रिप्लेस, रिप्लेस इन द सेंस व्हाट, जस्ट कंसिडर कुछ टाइम के बाद आप यूज कर रहे, लाइक 4-5 महीना यूज कर लिया, उसके बाद आपको पता चला कि ये इंटरफेस और ये इंटरफेस, लाइक मैं इसको इंटरफेस बोल रहा हूँ, पोर्ट भी बोल सकता हूँ, ठीक है, बहुत सेम। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये दोनों पोर्ट कुछ फिजिकल इशू की वजह से काम नहीं कर रहे, समथिंग हो जाता है ऐसा, कुछ प्रॉब्लम आ गया राउटर के अंदर जिसके अंदर ये दो इंटरफेस काम नहीं कर रहे। सो फिर से आप शॉपकीपर के पास जाते हो, तो आप उनको बोलते हो भैया ये जो पोर्ट दिख रहे हैं, ये फर्स्ट एंड सेकंड पोर्ट, ये दोनों के दोनों पोर्ट काम नहीं कर रहे, आप इसको रिप्लेस करा के मुझे नया वाला लगा दो। सो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, शॉपकीपर बोलेंगे कि नहीं भाई सर ऐसा नहीं होता है, हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आपके पास वारंटी कार्ड है, अगर आपके पास वारंटी है, तो हम लोग आपको पूरा का पूरा राउटर रिप्लेस करके दे देंगे, लेकिन अगर आपके पास वारंटी नहीं है, तो आप इस राउटर का कुछ नहीं कर सकते, आपको ये राउटर सिंपली फेंकना ही पड़ेगा, बिकॉज कुछ होगा ही नहीं, ना तो इसको एक्सटेंड होने वाला है, ना तो वो पोर्ट रिप्लेस होने वाले। तो ये मोस्टली फिक्स राउटर में होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ इंटरफेस इज नॉट पॉसिबल, इस राउटर के अंदर हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ इंटरफेस नॉट पॉसिबल, ज्यादा कुछ इंटरफेस का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग, ऐसा नहीं कि ये जो राउटर है फिक्स राउटर, इसके अंदर कुछ कॉन्फ्यूशन नहीं होता, इसके अंदर बेसिक कॉन्फ्यूशन होता है, लेकिन जैसे कि अगर मैं राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, कुछ हेवी प्रोटोकॉल, बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल, ओएसपीपी, आईआरपी, तो दैट राउटिंग प्रोटोकॉल विल नॉट वर्क हियर, बिकॉज ये राउटर इतना कैपेबल है ही नहीं उस राउटिंग प्रोटोकॉल को संभालने के लिए। जैसे कि अगर मैं डेटा सेंटर में काम करता हूँ, तो डेटा सेंटर में आपको पता है कि डेटा सेंटर में काफी सारा नेटवर्क ट्रैफिक आता है, तो उनको ये बेसिक राउटर की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरीके के जो राउटर है, हम लोग होम नेटवर्क के लिए या स्मॉल ऑफिस नेटवर्क के लिए आसानी से यूज कर सकते हैं, उसके लिए ये राउटर्स बनाए गए, लेकिन मैं बड़े लेवल पे, बड़े प्रोडक्शन लेवल पे इसका बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज ऑफ लिमिटेड कॉन्फिगरेशन। तो एक्सेस लेयर राउटर सच एज एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड राउटर, सिस्को सीरीज में 1600 एंड 1700 सीरीज के राउटर थे, वो एक्सेस लेयर राउटर थे, जो कि फिक्स्ड राउटर भी उसको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज अ मॉड्यूलर राउटर। अभी मॉड्यूलर राउटर की मैं बात करता हूँ, तो मॉड्यूलर राउटर के बारे में थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे, मेरे पास पैकेट ट्रेसर टूल है, तो पैकेट ट्रेसर टूल में सबसे पहले तो मैं इमेज डिलीट कर देता हूँ कि आपको फ्रेश बता सकूँ कि किस तरीके से, चलो मुझे एक राउटर की जरूरत है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, मेरे पास है 2811 सीरीज का राउटर, जो कि सिस्को का सीरीज का राउटर है। इसके ऊपर सिंपल कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये चीज आप पैकेट ट्रेसर में देख सकते हो, लेकिन रियल प्रोडक्शन में ऐसा नहीं देख सकते हो, ठीक है। आपको उसके लिए कमांड लाइन का यूज करना पड़ता है इंटरफेसेस देखने के लिए, जो कि मैं आगे में बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हैं आप दो इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/0 एंड 0/1। जस्ट कंसिडर आई हैव टू राउटर, द फर्स्ट राउटर हियर एंड द सेकंड वन इज हियर। अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ दोनों राउटर को, फास्ट इथरनेट 0/0 इधर कनेक्ट किया और फास्ट इतने 0/1 दूसरे राउटर को कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे दो इंटरफेसेस थे, दो इंटरफेसेस मैंने यूज कर लिए, एक फर्स्ट राउटर को, एक सेकंड राउटर को। जस्ट कंसिडर अभी मेरे पास और एक अनदर राउटर आया, लाइक थर्ड वाला ब्रांच लोकेशन, हम लोग ब्रांच लोकेशन कंसिडर करते, थोड़ा और समझने में आसानी होगा। सो दिस इज माई फर्स्ट ब्रांच लोकेशन, जिसको मैंने कनेक्ट कर दिया, सेकंड ब्रांच लोकेशन को कनेक्ट किया, थर्ड ब्रांच लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तब मुझे पता है कि इस राउटर के ऊपर तो इंटरफेस ही नहीं, पोर्ट ही नहीं, तो पोर्ट ही नहीं तो मैं कनेक्ट कैसे करूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो ये हो गया इशू। अभी ये है मेरे पास मॉड्यूलर राउटर, जैसे कि मैंने बताया कि मॉड्यूलर राउटर के अंदर कुछ फीचर्स है कि हम लोग स्लॉट बढ़ा सकते हैं। तो स्लॉट बढ़ा सकते हैं मीन्स क्या कर सकते हैं, इंटरफेस कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे घर पे सीपीयू होता है, जस्ट कंसिडर मुझे गेमिंग का शौक है, जस्ट कंसिडर मैं 4 GB का रैम लगा लिया, लेकिन 4 GB से मेरा कुछ गेमिंग में लैग्स हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि 8 GB का रैम रहेगा तो और मजा आएगा। तो मैं मार्केट में जाता हूँ, उनको बोलता हूँ क्या और एक 4 GB का रैम मेरे मदरबोर्ड के अंदर PCI जो स्लॉट होता है उसके ऊपर फिट करा दो, ताकि मेरा कंप्यूटर मस्त बन जाए, 8 GB रैम मुझे आसानी से मिल जाए। सो ये हो गया मेरे पास मॉडिफिकेशन। मैंने क्या किया, मार्केट में गया, 4 GB का एक्स्ट्रा रैम रैम लगाया। तो सेम है ये जो मेरे पास मॉड्यूलर राउटर है, मॉड्यूलर राउटर के अंदर भी वो फीचर होता है। मॉड्यूलर राउटर क्या बोलता है कि आप मेरे में एक्स्ट्रा स्लॉट लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकएंड में, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। जूम इन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ब्लैंक कलर के स्लॉट, ब्लैंक ब्लैंक पोर्ट्स है जिसके अंदर हम लोगों को स्लॉट डालना है। तो सबसे पहले जैसे कि अभी मैंने कंप्यूटर की बात किया, तो कंप्यूटर के अंदर अगर मुझे नया रैम लगाना है तो जाहिर सी बात है मुझे सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। चालू सिस्टम में लगाऊंगा तो मदरबोर्ड भी शॉर्ट हो सकता है, मेरा रैम भी शॉर्ट हो सकता है। मतलब 4 GB का रैम लेने के चक्कर में मेरा पूरा कंप्यूटर खराब हो सकता है। तो अभी क्या करता हूँ मैं, इस जो राउटर है राउटर के अंदर में कुछ कुछ स्लॉट लगाना है, तो इसके लिए मुझे राउटर को बंद करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास बटन है, जिस बटन ये पावर का बटन है, इसको बंद करता हूँ। जैसे बंद किया यहाँ पे जो ग्रीन कलर का लाइट था वो बंद हो जाएगा, देखो बंद हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में काफी सारे स्लॉट है। आप भी अगर आपको हर स्लॉट चेक करना है तो आप पैकेट से डाउनलोड कर लो, एक 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 स्लॉट चेक कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल है, आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ NM-4E, ये स्लॉट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, डिवाइस को ऑन करूंगा। ठीक है, जैसे डिवाइस को ऑन किया फिर से मैं यहीं पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जाके मैं देख सकता हूँ टोपोलॉजी में सिंपल कर्सर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। चेंजेस ये देखने को मिल रहा है फास्ट इथरनेट 0/0 एंड फास्ट इथरनेट 0/1। इसके अलावा मेरे पास चार अनदर पोर्ट आ गए, वो है इथरनेट 1/0, 1/1, 1/2, 1/3। मतलब अभी मैं चार डिफरेंट साइट्स को कनेक्ट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस राउटर। ये मतलब लाइक मेरा अभी काम आसान हो गया। अभी काम आसान हो गया तो मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ इस राउटर के साथ कम्युनिकेशन कनेक्ट कर पाता हूँ क्या। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे गया, इथरनेट 1/0 आ गया मेरे पास चार पोर्ट, मैं यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट किया, देखो मेरा काम भी बन गया। ये होता है मॉड्यूलर राउटर में। अभी चलो कि कुछ टाइम के बाद ऐसा हो गया, कुछ राउटर के बाद ऐसा हो गया कि जस्ट कंसिडर ये जो मेरा पास स्लॉट है, ये स्लॉट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, खराब आ गई, तो मुझे पूरा का पूरा राउटर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा राउटर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपली क्या करूंगा, ये स्लॉट को रिमूव कर दूंगा और मार्केट में जाके दूसरा वाला स्लॉट लगा सकता। दैट इज पॉसिबल बिकॉज ये होता है मॉड्यूलर राउटर के ऊपर। अगर मैं फिक्स राउटर की बात करता तो फिक्स राउटर में ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं होती। विल जंप टू दिस पॉइंट, इधर का PPT। सो पोर्ट्स कैन बी एक्सटेंडेड एंड रिप्लेस, जैसे कि मैंने अभी बताया। इंटरफेस मोड्स कैन बी एडेड एंड रिमूव, जैसे कि हम लोगों ने देखा इंटरफेस ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इथरनेट स्लॉट लगाया तो मेरे पास इथरनेट के पोर्ट्स आ गए। तो सेम थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर लेयर के राउटर जो होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं मॉड्यूलर राउटर्स के। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने दिखाया, तो ऐसे बहुत सारे राउटर हैं। अभी जितने भी नए वाले सिस्को के नेक्सेस, सॉरी दैट आर द स्विचेस, जितने भी सिस्को के ASR सीरीज के राउटर्स वगैरह हैं, सबके सब डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर लेयर के राउटर हैं, जो कि मार्केट में यूज होता है, प्रोडक्शन में, डेटा सेंटर में, काफी सारी जगह यूज होता है। उनका कैपेसिटी काफी हैवी होता है, हैवी ट्रैफिक को सपोर्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिक्स राउटर एंड द मॉड्यूलर राउटर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।